बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और हमलावरों की तलाश में अब पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की टीम भी लगी हुई है। कई टीमों का गठन भी किया गया है और प्रयागराज के आसपास के जिलों में भी दबिश दी जा रही है। फिलहाल अतीक अहमद के दो बेटों समेत 15 से ज्यादा लोग पुलिस की हिरासत में हैं और इनसे अब पूछताछ लगातार की जा रही है। सीसीटीवी के आधार पर अब और दबिश दी जा रही है, उन लोगों की पहचान की जा रही है, इसमें कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन अब तक के 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इनसे पूछताछ भी लगातार जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस की ये एक बेहद अहम और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अब जो है पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की टीम भी लगी हुई है, जिसमें पुलिस ने अब कार्रवाई तेज कर दी है। शूटआउट में अतीक के दोनों बेटों को भी इसमें पकड़ा गया है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके कि जब ये हत्याकांड होता है तो उस वक्त वहां पर उनकी मौजूदगी कहां पर थी। हमारे सहयोगी अमित सिंह लाइव मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। अमित, अब पुलिस ने यहां पर अतीक अहमद के दोनों बेटों को भी पकड़ा है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, कितनी टीमों का गठन किया गया है? देखिए, फिलहाल सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह है कि अतीक अहमद के जो बेटे हैं और बेटों के सही बेटे समेत कुल 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। प्रयागराज पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और एसटीएफ इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, साथ ही साथ लोकल पुलिस भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई टीमें बनाई गई हैं जो लगातार रेड कर रही हैं और खासतौर से पूर्वांचल के इलाकों में शूटर जो जिन शूटरों ने लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की है उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार रेड हो रही है। मैं सबसे पहले तो बताऊं कि मैं स्पॉट पे मौजूद हूं, वही स्पॉट जहां पर कल ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जिसमें उमेश पाल और उनके गनर की हत्या की गई और जहां पर बमबाजी हुई है, ये वही स्पॉट है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये वही स्पॉट है। इसी स्पॉट पर जब कचहरी से उमेश पाल लौटे थे बीते कल शाम को, तो उस दौरान यहां पर बमबाजी की गई, फायरिंग की गई उनके गनर पर। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से यहां पर लोकल पुलिस यहां पर मौजूद है, लोकल पुलिस मौजूद है और ये सीधे कचहरी से वो आ रहे थे। कल राजू पाल हत्याकांड में उनकी वहां पर सुनवाई थी और इसी वजह से वो शाम 4:30 बजे के आसपास वहां से सीधे निकले और कचहरी से और सीधे यहां पर पहुंचे। यहां पर पहुंचे तो अब यहां पर फायरिंग हुई है, बमबाजी हुई है और ये देखिए यहां से महज 30 मीटर की दूरी पे उनका घर है। ये जो आखिरी गेट आप देख पा रहे हैं ये उनका घर है और इसी और मौके पर जो तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं ये बेहद अहम भी है। उमेश पाल हत्याकांड में अब अतीक के करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी से भी पूछताछ की है, वहीं अतीक अहमद के दोनों बेटों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। खबर है कि अतीक अहमद गैंग के कई शूटरों पर पुलिस की नजर भी है, तो यहां पर अतीक अहमद की पत्नी को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ हुई है।